पहले से भी शेयर करने वाली हूँ, जो है मलाई कोरमा पनीर। सो बहुत ही टेस्टी है मलाई कोरमा वाला पनीर। मुझे पनीर बहुत पसंद है। किन किन लोगों को पनीर पसंद है प्लीज कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, ठीक है। सो आज जो मैं बनाने वाली हूँ ये है व्हाइट ग्रेवी वाला मलाई पनीर। सो अगर आप लोगों को मेरा ये रेसिपी अच्छा लगे तो लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो आप लोग मेरा ये वीडियो स्किप ना करके पूरा आप मेरा ये वीडियो देखना और बेल बटन को दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए मेरा नया नया वीडियो। सो अभी मेरा वीडियो देखिए। सो अभी फिलहाल बाय टाटा, स्टे ट्यून्ड। सो गाइस, अभी मैं बनाने वाली हूँ मलाई पनीर कोरमा। सो मैंने सब कुछ इंग्रेडिएंट्स इधर रेडी कर लिया है। अभी मैं एक एक करके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मैंने लिया है, कैसे करके मैं बनाने वाली हूँ, आप लोगों को बताने वाली हूँ। सो प्लीज गाइस, आप लोग मेरा ये वीडियो जरूर पूरा देखना, स्किप मत करना और बहुत सारा प्यार सपोर्ट कीजिए। अगर मेरे ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना, शेयर भी कर देना। सो फिलहाल मैं बनाती हूँ मलाई कोरमा पनीर। आप लोगों को देखना है कैसे करके मैं बनाती हूँ, बहुत ही ईजी तरीके से बनाऊंगी ताकि आप लोगों को बहुत मतलब इजी हो बनाने में, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में। सो आप लोग प्लीज मेरा ये वीडियो देखें। सो फिलहाल अभी बाय बाय टाटा, स्टे ट्यून्ड। सो गाइस, मैंने मलाई कोरमा पनीर बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिया है सो आप लोगों को बताने वाली हूँ। सो मैंने लिया है अनियन, गार्लिक, पनीर लिया है 200 ग्राम्स, फ्रेश क्रीम अमूल का दूध 1 कप, देन घी, जीरा, अदरक, चिली, ये मैं बाद में डालने वाली हूँ, आप लोगों को पता चलेगा, पूरा वीडियो देखना आप लोग। ये है इलायची, लौंग और सिनेमन, और ये है कैश्यू जो मैंने भिगा कर रखा था पानी में ताकि स्मूथ पेस्ट बने। जिंजर चिली, इसको भी मैं पेस्ट करने वाली हूँ। एंड देन ये है सॉल्ट, ये है शुगर, ठीक है। सो अभी हम कैसे करके बनाते हैं आप लोग मेरा पूरा वीडियो देखना। सो गाइस, मैंने कढ़ाई गर्म करने के लिए बैठा दिया है, कढ़ाई गर्म भी हो चुका है। अभी मैं दे दूँगी इधर घी, ओके। सो घी देकर थोड़ा सा मतलब अनियन, चिली, जिंजर, इन सब चीज़ों को मैं थोड़ा सा सौते करके थोड़ा सा बॉइल कर लूँगी, मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट कर लूँगी पेस्ट, तब स्मूथ हो जाएगा और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। क्योंकि थोड़ा सा घी देने से, घी में जो अनियन और मतलब वो गार्लिक देने से बहुत ही अच्छा एक फ्लेवर आ जाता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। कढ़ाई बहुत गर्म हो चुका है, मैं एक एक करके सब कुछ अभी दे दूँगी, ठीक है। अभी मैं देने वाली हूँ चिली, देने वाली हूँ जिंजर, देने वाली हूँ कैप्सिकम, और मैं दूंगी ये जो मसाला है कुछ इलायची, सब कुछ दे देंगे। देन ये वाला जीरा भी मैं इधर डाल देंगे, ठीक है। ये बनाने में बहुत ही ईजी है, तो आप लोग जरूर बनाना। तो मैं अभी थोड़ा सा ढक दूंगी ताकि ये अच्छी तरीके सॉफ्ट हो जाए, ताकि जो फेस बनाओ इसका बहुत ही स्मूथ हो, बहुत ही टेस्टी लगे। अभी मैं फिलहाल इसको ढक देती हूँ, मैं कुछ ही मिनट के लिए ढक दूंगी जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए तब तक। सो टाटा। सो गाइस, इधर मैं थोड़ा सा पानी डाल दूंगी ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, इसकी वजह से ज़्यादा नहीं थोड़ा। गाइस, ये अच्छे तरीके से अभी बॉईल हो रहा है, बहुत ही खूबसूरत एक मतलब स्मेल निकल चुका है इसका, एक अलग ही सेंट निकल चुका है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और घी और अनियन और गार्लिक का जो एक सेंट होता है ना, बहुत ही लाजवाब लगता है, वो स्मेल बहुत ही खूबसूरत लगता है मुझे। तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है ये वाला रेसिपी, ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में ये हो जाता है। गाइस, इसका कलर भी चेंज हो चुका है, सॉफ्ट भी हो चुका है। सो ये अच्छे तरीके से बॉईल होने हो जाने के बाद मैं थोड़े टाइम के लिए रख दूँगी ताकि ठंडा होने के बाद इसको मैं ब्लेंड करूँ, अदरवाइज़ नहीं तो मतलब मेरा मशीन भी ख़राब हो जाएगा और इसका टेस्ट भी अच्छा नहीं होगा। तो ठंडा होने के बाद ही आप लोग इसको पेस्ट कीजिए, ठीक है। अच्छे तरीके से थोड़ा सा और मैं बॉईल कर लेती हूँ, तो अभी भी पानी है, पानी थोड़ा सा सोख जाए तभी मैं इसको पेस्ट बनाऊँगी, ठीक है।
देखते हैं ये हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये हो चुका है, मैं गैस बंद कर दूंगी और अभी मैं थोड़े टाइम के लिए इसको रख दूंगी ताकि ये ठंडा हो जाए जल्दी जल्दी और हम ब्लेंड कर ले बहुत ही स्मूथ ब्लेंड, ताकि इसका फ्लेवर जो मलाई कोरमा वाला पनीर में आए बहुत ही लाजवाब आए। सो गाइस ये ठंडा हो चुका है, थोड़ा थोड़ा ठंडा हो चुका है, तो अभी मैं इसमें ट्रंकर कर दूंगी। सो इधर मैं अभी क्या क्या डालने वाली हूँ, सो देखिए इधर मैं थोड़ा सा भी ये जो दूध है ना मिल्क, ये एक कप मिल्क में डाल देंगे। सो अभी इसको हम कर देंगे बहुत ही स्मूथ एक पेस्ट, तो स्मूथ पेस्ट बनाते हैं अभी, चलिए। सो गाइस अभी हम इसको स्मूथ पेस्ट बनाने वाले हैं, सो स्टार्ट शुरू करते हैं। सो गाइस हमारा पेस्ट रेडी हो चुका है, बहुत स्मूथ हो चुका है। सो बहुत ही स्मूथ पेस्ट बन चुका है ये। सो इसको हम ट्रांसफर कर लेते हैं। सो गाइस बहुत ही स्मूथ पेस्ट बन चुका है। सो अभी हम शुरू करते हैं मलाई कोरमा वाला पनीर बनाना। सो आप लोग देखिए गाइस मैं अभी उसी कढ़ाई में बनाने वाली हूँ। सो अभी डाल देती हूँ मैं थोड़ा सा सादा वाला ऑयल, रिफाइंड ऑयल, देन थोड़ा सा घी डालने वाली हूँ, सादा नहीं क्योंकि हमने घी से ही सौते किया था, थोड़ा सा घी से, थोड़ा सा घी, थोड़ा सा घी ये यूज कर रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हो अमूल वाला घी, क्योंकि अमूल का घी का जो स्मेल है बहुत अभी भी बहुत अच्छा है, अभी तक अच्छा ही है। तो ये थोड़ा सा गर्म होने के बाद हम इसमें डाल देंगे हमारा जो पेस्ट, ठीक है, व्हाइट ग्रेवी वाला पेस्ट। तो अभी गर्म हो चुका है, बहुत सुंदर एक खुशबू भी निकल चुका है घी का। सो अभी डाल देते हैं हम। बहुत ही अच्छा है, खूब खुशबू आ रहा है, बहुत ही अच्छा, मतलब होटल वाला रेस्टोरेंट वाला फील आ रहा है। तो मैं हाथ से ही डाल दे रही हूँ। हम इसमें सॉल्ट और शुगर डालने वाले हैं, ठीक है, मैं हम देने वाले थोड़ा सा सॉल्ट, हम डालने वाले शुगर, हाथ से हम दे देते हैं, देन हम डालेंगे अमूल का फ्रेश मिल्क, फ्रेश क्रीम, सॉरी ज्यादा नहीं थोड़ा सा ही, ताकि इसका फ्लेवर और भी रिच हो जाए, बहुत ही टेस्टी हो जाए। तो गाइस ये जो है ना ये वाला रेसिपी जो मैं बना रही हूँ, ये सबसे अच्छा इसका कॉम्बिनेशन किन चीजों के साथ है, ये फ्राइड राइस के साथ है, जीरा राइस के साथ है, पुलाव के साथ है, नान के साथ, पराठा के साथ, मतलब थोड़ा सा ऑयली रिच वाला चीजों के साथ, और भी टेस्टी लगता है। सो बहुत ही टेस्टी होने वाला है, क्योंकि मतलब खुशबू तो बहुत ही खूबसूरत निकल चुका है। सो अभी मैं थोड़ा सा इसको ढक देता हूँ, ढकने के बाद उसको मैं पनीर डाल दूंगी, इसके बाद थोड़ा सा ढक देता हूँ उसको, अच्छी तरीके से बॉइल हो जाए, थोड़ा सा थिक बनाने वाली हूँ, थोड़ा सा क्रीमी, ताकि ये और भी टेस्टी लगे और रेस्टोरेंट की जैसे फील आ जाए, बहुत ही टेस्टी होने वाला है। तो सब थिक होने के बाद हम इसमें पनीर डाल देंगे, और जो मैं पनीर डालने वाली हूँ इसको मैंने फ्राई नहीं किया है, क्योंकि ये मलाई पनीर है इसी वजह से इसको फ्राई नहीं किया है। अगर मैं इसको जो रेड वाला ग्रेवी बनाता, अगर मैं मलाई वाला रेड वाला ग्रेवी मलाई कोरमा वाला, तभी मैं इसको फ्राई करता, क्योंकि ये मलाई कोरमा है व्हाइट वाला ग्रेवी का है, इसी वजह से मैंने इसको फ्राई नहीं किया है, ताकि और भी अच्छा लगे और बहुत सॉफ्ट बने, सॉफ्ट होता है फ्राई नहीं, फ्राई विदाउट फ्राई देने से बहुत ही सॉफ्ट होता है पनीर डालने से ग्रेवी में, और भी टेस्टी लगता है। तो अभी हम इसमें पनीर डाल देंगे एक एक करके। तो इधर है 200 ग्राम पनीर, थोड़ा सा मैंने बड़ा बड़ा करके क्यूब्स काटा है, ताकि अच्छा लगे देने में और खाने में भी, छोटा छोटा अच्छा नहीं लगता है, कंजूस की जैसे लगता है वैसे। तो इधर हम डाल देंगे थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ जिंजर, ताकि बहुत अच्छा लगे, और एक हम इलायची डालने वाले हैं, और कुछ हम ग्रीन चिली डालने वाले हैं। तो अभी हम थोड़ा सा इसको ढक कर रख देंगे कुछ मिनट के लिए, ठीक है, थोड़ा सा। तो आप लोग देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, थोड़ा सा अभी हम इसको
ढककर रखने वाले हैं कुछ मिनटों के लिए, लाइक 12 मिनट के लिए इसको हम ढककर रखने वाले हैं। और गैस का जो फ्लेम है बहुत ही लो रखने वाले हैं। हमने मीडियम रखा है मतलब ताकि जल ना जाए, और इसका जो कलर है थोड़ा सा मतलब ब्राउनी हो जाता है क्योंकि हम जब सौते करते हैं ना थोड़ा सा ब्राउन वाला आ जाता है, ब्राउन कलर, तो इसी वजह से टोटली व्हाइट नहीं होता है, ठीक है। इसी वजह से अगर आप लोगों को व्हाइट चाहिए तो फिर आप लोग थोड़ा सा मिल्क ऐड कर सकते हो ताकि इसका कलर व्हाइट हो जाएगा, और थोड़ा सा फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हो ताकि इसका कलर और भी व्हाइट हो जाएगा। सो ये ऐसा भी अच्छा लगता है, ज्यादा व्हाइट भी अच्छा नहीं लगता है। हम आज व्हाइट मलाई कोरमा वाला बनाने हैं, और मैं और भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। इसके वजह से आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बहुत सारा शेयर कीजिए, बहुत सारा सपोर्ट और प्यार दीजिए। सो देखते हैं इसको उठाकर, बहुत ही अच्छी तरीके से ये बॉयल हो चुका है और ग्रेवी भी थोड़ा सा ठीक हो चुका है और बहुत ही टेस्टी होने वाला है, मुझे तो पता है। सो आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करना, ठीक है, आप लोगों को अच्छा लगेगा ये मेरा ये रेसिपी। और मेरा अगर ये वाला रेसिपी आप लोगों को बहुत अच्छा लगे तो मैं और भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। जब भी आप लोग ऐसा वाला रेसिपी बनाओ, मींस ऐसा वाला मींस जो बटर पनीर होता है, मलाई पनीर होता है, जब भी बनाओ ना तो थोड़ा सा ढककर बनाना, नहीं तो बहुत मैसी हो जाता है, बहुत मतलब छिटक छिटक के आता है बॉडी में, बहुत जल जाता है तब। सो आप लोग बंद करके थोड़ा थोड़ा से लो फ्लेम करके ढककर बनाना, तो फिर मतलब बॉडी में भी नहीं आता है वो, और मैसी भी नहीं होता, नहीं तो अदरवाइज बहुत ही मैसी हो जाता है। तो मैं तो बार बार पोंछती हूँ बनाते बहुत ही दिक्कत आ जाता है। सो गाइस बहुत ही ठीक हो चुका है, बहुत ही रिच हो चुका है, कलर भी थोड़ा सा चेंज हो चुका है इसका, और पनीर भी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुका है। सो मेरा ये मलाई पनीर वाला मलाई कोरमा पनीर, मलाई कोरमा पनीर मेरा अभी रेडी भी हो चुका है, अभी मैं इसको सर्व करूँगी बहुत ही खूबसूरत करके, डेकोरेट भी करूँगी। तो आप लोग देखिए बहुत ही ठीक हो चुका है ये, और रिव्यू भी दूंगी, सच्ची वाला रिव्यू कि कैसा बना मेरा मलाई कोरमा पनीर। सो सच्चा वाला रिव्यू देने वाली हूँ आप लोगों के साथ, खाकर आप लोगों को बताऊंगी। आप लोग भी ज़रूर एक बार ट्राई करना, बहुत ही इजी है, एकदम लगता है कि हम रेस्टोरेंट से हमने ऑर्डर किया है ऐसा वाला ही फील होता है। और थोड़ा सा पराठा बनाकर घर में खाकर टेस्ट करना बहुत ही अच्छा लगने वाला है घर में। हर वक्त तो नहीं होता है ना रेस्टोरेंट से हम ऑर्डर करके खाए, कभी कभार तो मन भी होता है घर में बनाए बहुत ईजी कम इंग्रेडिएंट्स में। सो ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बन जाता है, तो आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करना, ठीक है। सो गाइस मेरा पनीर अभी रेडी हो चुका है, मैंने दूसरा बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। सो अभी मैं हम बताने वाले रिव्यू देने वाले कि हमारा पनीर जो हमने बनाया है कैसा बना है। सो अभी एक बोल में लेकर आप लोगों को टेस्ट करके बताने वाले कैसा बना है मेरा पनीर। सो प्लीज़ ज़रूर आप लोग एक बार ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी लग रहा है देखकर। अब अभी खाकर आपको बताने वाली हूँ कि कैसा बना है मेरा पनीर। मेरा पनीर नहीं, मैंने जो पनीर बनाया है, सॉरी। और किन को पनीर पसंद है, किन किन को, वो लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना। सो गाइस अभी मैं मेरा जो मलाई कोरमा पनीर बनाया है मैंने, तो उसका रिव्यू देने वाली हूं आप लोगों को, तो देखते हैं कैसा बना है। बहुत ही टेस्टी बना है सच्ची में, बहुत ही टेस्टी बना है, तो जरूर आप लोग भी ट्राई करो एक बार घर में, बहुत ही इजी है। तो जो रिव्यू मैंने दिया है बहुत ही ऑनेस्ट वाला रिव्यू दिया है, मैंने खुद बनाया और बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा है कि रेस्टोरेंट से हमने ऑर्डर करके खा रहे हैं अभी, तो बहुत ही टेस्टी बना। तो अगर ये वाला पनीर का रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं बहुत ही अच्छा इजी सा रेसिपी आप लोगों को दे सकूं, आप लोग बना सको। जरूर ये वाला ट्राई करके बताना कमेंट सेक्शन में, बताना कैसा बना है, आप लोग भी ट्राई करके बताना कमेंट सेक्शन में, और पनीर किस किस को पसंद है ये जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं तो बहुत एंजॉय कर रही हूं, आप भी एंजॉय करें। फिलहाल अभी के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।